गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आज हम सभी कक्षा चार की बुक स्प्रिंग की वर्कबुक भरेंगे। ये है पहला पेज, इस पर आप लोग अपना नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, स्कूल, एड्रेस, नेम के सामने लिखोगे अपना नाम। मदर कहते हैं माँ को, मदर नेम माँ का नाम, फादर माने पिता, फादर नेम पिता का नाम, स्कूल स्कूल का नाम, स्कूल का नाम क्या है, प्राथमिक विद्यालय रंजीत नगर। एड्रेस अपने गांव का नाम लिखना है, गांव रंजीत नगर, पोस्ट बनौरा, तहसील निगासन। ठीक, रिवीजन का मतलब होता है दोहराना, जो हमने पहले पढ़ा था वो दोहराना है। तो यहाँ पर क्या है, एक गाड़ी बनी है, क्या बनी है, गाड़ी को कहते हैं वैन, और गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, आदमी, आदमी को कहते हैं मैन, मैन माने, मैन माने आदमी। राज इज ए मैन, राज एक आदमी है, ही हैज ए वैन, उसके पास वैन है। देखो मैन वैन और फैन, बोलो मैन वैन फैन, इनको बोलते हैं राइमिंग बर्ड। क्या बोलते हैं, इनकी कविता बनती है तो आखिरी में ऐसे शब्द आते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी लगती है, जैसे मैन वैन फैन। अंतिम लाइन पढ़ो, द वैन हैज ए फैन। अगला पढ़िए, रीड द फॉलोइंग वर्ड एंड री राइट देम इन द स्पेस। देखिए क्या लिखा है, सी ए पी। अब इसको नीचे लिखना है अपनी कॉपी में, सी ए पी, कैप, कैप माने जानते हो क्या लिखा है, टोपी। सी ए एन कैन, कैन का मतलब होता है डिब्बा। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे जगह बनी हुई है उसमें वही लिखना है दोबारा से, छोटी वाली ए बी सी डी में, सी ए एन कैन। अब अगला क्या है, सी ए टी कैट, कैट माने ये हो गया कैट। अगले में क्या लिखा है, सी ए बी कैब, कैब कैब होती है गाड़ी, ऐसी छोटी वाली जो गाड़ी होती है बंद वाली, इसको कैब बोलते हैं, ये लाती है ले जाती है। अब क्या करना है, अगले वाले में आ जाओ, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। देखो यहाँ सामने बना दिए टोपी, और टोपी की स्पेलिंग कौन सी होती है, कैप, तो उसमें पहली लाइन में क्या लिखना है, टोपी की स्पेलिंग कौन सी है, कैप। दैट इज माई, सामने फोटो क्या बना है, टोपी, टोपी की स्पेलिंग क्या है, सी ए पी, ऐसे ही फोटो देख के भरना है। आगे वाले में क्या बना है, चटाई, चटाई की स्पेलिंग क्या होती है, मैट, और नीचे वाले में क्या है, बैग, तो दैट, दूसरी लाइन पढ़ना है, दैट इज
ए मैट यम ए टी। तीसरी लाइन में क्या है बैग। दिस इज ए बैग। कक्षा तीन की जो किताब थी उसमें ये सब पढ़ाई गई थी तो उनको ही दोहराया जा रहा है। अब लिखा है ए नई लाइन से ऐड सम मीनिंगफुल राइमिंग वर्ड। ए एन एन एफ ए एन फैन पी ए एन पेन और अभी पढ़ा था एम ए एन मैन। और एक मीनिंग और लिखना है तो लिख दो वी ए एन वैन। अब अगला बी ए टी बैट एच ए टी हैट और ये बन जाएगा सी ए टी कैट। और एक और बता दें एफ ए टी फैट। फैट माने होता है मोटा। ए टी को ऐड बोलते हैं फैट। देखो पहली लाइन में क्या था फैन पैन मैन वैन। अब दूसरी लाइन में क्या है बैट हैट कैट फैट। रिवीजन दिस इज ए रैट। रैट माने क्या जानते हो चूहा चूहा। अब इसमें देखो पीछे वाली लाइन देखना हमेशा आखिरी में देखो आएगा फैट हैट मैट। ये सब कैसे होते हैं राइमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं इनको इनकी आवाज़ जो होती है एक जैसी होती है जैसे कैट फैट बैट। इससे पहले क्या था मैन फैन हैन। अरे याद आ रहा है ये सब कैसे वर्ड होते हैं इनकी आवाज़ मिलती है राइमिंग। क्या बोलते हैं देखिए दूसरी लाइन में दिस इज ए रैट उसके बाद इट इज फैट। तो रैट और फैट। अब अगला है इट हैज ए हैट। हैट माने होता है टोप। द रैट सैट रैट सैट ऑन ए मैट। अब इसकी हिंदी देखो दिस इज ए रैट यह एक चूहा है। इट इज फैट यह बहुत मोटा है। इट हैज ए हैट यह टोप इसके पास टोप है। अब द रैट सैट ऑन ए मैट चूहा कहाँ बैठा है चटाई पर। ऐसे ही अब नई लाइन से नीचे आ जाओ इसमें क्या कर रहा है इनमें मीनिंग लिखा है इनको दोबारा से लिखना है इनको बोलना भी है। पी ए एन पेन पेन माने होता है फ्राईदान। एन ए पी नैप नैप माने होता है झपकी लेना। ये देखो सो रहा है या झपकी ले रहा है सो रहा है सो नहीं रहा है झपकी ले रहा है। ये पढ़ रहा था तो किताब पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा झपकी ले ली थोड़ी नींद आती है उसे झपकी कहते हैं। जैसे बैठे बैठे सो गए छींक अलग होती है। एम ए पी मैप ये मैप माने जानते हो क्या होता है नक्शा। ये काहे का नक्शा है भारत का हमारे देश का क्या नाम है भारत। अब आ रही बी ए टी क्या है ये बैट। बैट माने
बल्ला। अब इनकी मीनिंग लिखनी है। ये है टोप, टोप की मीनिंग क्या होती है? हैट। एच ए टी। ये देखो चित्र बना हुआ है नीचे बराबर में, देखो ये क्या बना है? वाई आर यू, ये गुस्सा, ये गुस्सा है गुस्सा, इसको क्या बोलेंगे? एंग्री। ए एन जी आर वाई, एंग्री। और ये क्या है? नक्शा बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ नक्शे की मीनिंग नीचे देखो लिखी हुई है, क्या है? मैप। क्या करना है यहाँ पर? मैप भर देना है। आई प्ले विद माई, काहे का चित्र बना है ये? बैट का। यहाँ पे लिख दो बैट, बी ए टी बैट। हो गया ये। अब नीचे की लाइन भरो। कैप, टैप, और इसी में से एक मीनिंग लिखा हुआ है एन ए पी, नैप। अगला है एम ए पी, मैप। अब अगला है लैड, मैड, सैड, और बताओ कोई? रेड, रेड नहीं आएगा। एल ए डी, लैड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।